जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं अब भारत में चमगादड़ों की दो प्रजाति में कोरोना वायरस से अलग बैड कोरोना वायरस पाए गए हैं। इस बात का खुलासा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में हुआ है। जानकारी के अनुसार केरल, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु के 25 चमगादड़ों में बीटी को पाए गए। बता दें कि ये चमगादड़ राउसेटस और पेट्रोपस प्रजाति के हैं। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा डी यादव ने कहा कि इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत या रिसर्च नहीं है कि बेड कोरोना वायरस इंसानों में बीमारी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चमगादड़ में इससे पहले निपाह वायरस भी मिले थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चमगादड़ों में कई तरह के कोरोना वायरस मौजूद होते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो इंसानों के लिए काफ़ी घातक होते हैं, लेकिन इनसे चमगादड़ों को नुकसान नहीं होता। वहीं ऐसा समझा जाता है कि चीन के वुहान में चमगादड़ से ही COVID-19 वायरस इंसानों में फैला। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।